राजस्थान रॉयल की तरफ से आईपीएल खेलने वाले युवा ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम ने कर्नाटक प्रीमियर लीग में अपने दोहरे प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। कृष्णप्पा गौतम ने जन्माष्टमी के दिन अपने बल्ले और गेंद से डबल धमाल करते हुए एक अनोखी लीला रच डाली। आपको बता दें, बल्लेबाजी में गौतम ने 56 गेंदों में नाबाद 134 रनों की पारी खेली। इसके बाद गेंद में दोहरा प्रदर्शन करते हुए मात्र 4 ओवर के स्पेल में 8 विकेट चटका डाले। एक ही मैच में इस डोमेस्टिक प्लेयर ने अपने दोहरे प्रदर्शन से इतिहास रच दिया। आपको बता दें, बेलारी के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए गौतम ने 56 गेंदों में 13 गगनचुंबी छक्के एवं 7 चौके से 134 रनों की धुआंधार पारी खेल डाली। केपीएल के इतिहास में यह सबसे तेज शतक है। उनका शानदार प्रदर्शन यही नहीं रुका, बल्कि गेंदबाजी में 4 ओवर के स्पेल के दौरान गौतम ने 15 रन खर्च करते हुए 8 विकेट हासिल कर लिए। केपीएल के इतिहास में ये किसी भी गेंदबाज के द्वारा सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन है। यहां तक कि दुनिया भर में किसी भी टी20 लीग में कोई भी बल्लेबाज इस कदर दोहरा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। आपको बता दें, कृष्णप्पा गौतम ने ये शानदार प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं को अपनी तरफ खींचा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कब चयनकर्ता भारतीय टीम में कृष्णप्पा गौतम को मौका देते हैं। दोस्तों, क्या आप कृष्णप्पा गौतम को भारतीय टीम में देखना चाहोगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द क्रिकेट इनसाइट की रिपोर्ट।